हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामा सर में। आज हम लोग SSB 2023 के एडमिट कार्ड डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो ट्रेडमैन का है। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस संपूर्ण बताया जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमा सशस्त्र बल की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। इसका एडमिट कार्ड अभी हाल ही में जारी हुआ है। उसका एडमिट कार्ड आप सभी लोग जाकर के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी सी वैकेंसी डिटेल्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सशस्त्र सीमा बल SSB कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। ध्यान देंगे, ये वैकेंसी 2020 की थी, जिसका एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ था। जिसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है, इसका एग्ज़ाम जुलाई माह में आयोजित होना है। आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप लोग यथाशीघ्र एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट किए हैं, उस एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। एग्ज़ाम देने के लिए आप अपना प्रिपरेशन तैयार कर लें। हर चीज़ सिस्टम करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम डाउनलोड करने में आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है, वहां से भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप www.sarkaririzalt.com पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखेंगे, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एप्लीकेशन जो है वो 29 अगस्त 2020 का फॉर्म फिलअप किया गया था। 29 अगस्त 2020 में ये फॉर्म भरा गया था। 100 रुपये इसका फीस था। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 27/9/2020 इसका लास्ट डेट था। 27 सितंबर 2020 इसका लास्ट डेट था, और उसी डेट में ही, लास्ट डेट पे ही फॉर्म फीस भी देना था। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आयर, बार्बर, कारपेंटर, कॉबलर, गार्डनर, पेंटर, प्लम्बर, टेलर, वेटरनरी एंड वाशरमैन, इन सब का एग्ज़ाम 23 जनवरी 2023 को ही हो गया था। लेकिन जो बचा हुआ एग्ज़ाम है वो 13/7/2023 को होने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 27/9/2020 को ही इसका एज लिमिट लिया गया था, जिसमें मिनिमम एज की बात कर लें तो 18 वर्ष निर्धारित किया गया था, जबकि मैक्सिमम एज की बात करें तो 27 वर्ष निर्धारित किया गया। एज में रिलैक्सेशन की बात कर लें तो SSB सीमा सुरक्षा बल रिक्रूटमेंट 2022 के अकॉर्डिंग ही इसमें आपको छूट दी जाएगी। थोड़ी सी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में अगर और बात करें, तो अगर हम कुल पदों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल टोटल 1522 पोस्ट निर्धारित किया गया था। आज की जो वीडियो है उसमें आपको पोस्ट नेम से भी डिटेल्स के बारे में हम बता देते हैं। कांस्टेबल इन वेरियस स्टेट्स, इसमें 1522 पोस्ट थे। क्लास 10th ITI मांगा गया था NCVT द्वारा, या फिर डिप्लोमा हो रिलेटेड ट्रेड में। एज वाइज कैटेगरी के लिए आप नोटिफिकेशन फुल चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।